आज हमारा यूनाइटेड फंड फॉर सेपरेटरी स्टेट का जो हम लोग का कार्यक्रम हुआ है, आज हमारा जो शिलान्यास हुआ, आज से हमारा पार्टी का यूनाइटेड फंड फॉर सेपरेटरी स्टेट का जो घोषणा हुआ है, और हम लोग सभी पार्टी का प्रेसिडेंट लोग है, इस मेन कोर कमेटी का हम लोग का मेंबर है, और सब लोग हम लोग एक होकर अभी नॉर्थ बंगाल जो हमारा सेपरेट स्टेट का लिए हम लोग आगे जाके बंगाल सरकार को पहले हम लोग और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये टीम हम लोग का एक मेमोरेंडम सबमिट करेंगे, और हम लोग एक वार्ता के लिए उसको रिक्वेस्ट करूंगा। हमारा थीम, हमारा विषय, हम लोग क्या चाहता हूँ और ये संस्था बनने का विजन क्या है, ये हम लोग को बताना चाहता हूँ। हाँ, हम लोग सब मिलकर ही, हम लोग भारत सरकार हो या बंगाल सरकार हो, एक बार हम लोग डिस्कशन। दादा, ये जो फ्रंट का मूल मुद्दा क्या है? देखिए, हम सेपरेट स्टेट के लिए मून मेन मुद्दा है, सेपरेट स्टेट का, नॉर्थ बंगाल का पूरा एरिया के लिए। कौन कौन है आपके साथ? हमारा अभी सब हम लोग जो 8-9 हमारा पार्टी लोग हम लोग बैठा हूँ, सभी संघर्ष करते आए हूँ, सभी हम लोग एक होकर जा रहा हूँ। ये कैसा मूवमेंट कैसा रहेगा? गणतांत्रिक जंग से होगा आने वाला दिन में, और भारत सरकार का साथ में भी हम लोग जाऊंगा, बंगाल सरकार का साथ में भी जाऊंगा, और हमारा जो हमारा इशू है, जो हमारा डिमांड है, हम लोग लिखकर दे दूंगा, और संग संग में हम लोग तुरंत एक बैठक होना चाहिए, हमारा थीम बताना चाहिए, हमारा जो विजन बताना चाहिए भारत सरकार हो या बंगाल सरकार को। आज हमारा ये जो प्रेस मीडिया का तरफ से हम लोग यही बताना चाहते हैं। सेंटर और स्टेट के खिलाफ आप लोग क्यों बता रहे हैं, मतलब क्या लगते हो? हमारा डिमांड के लिए तो हम लोग तो बोलना चाहिए ना, वहाँ पर बताना चाहिए, और खिलाफ नहीं है, ये हमारा आवाज़ है, हमारा डिमांड है, ये आवाज़ डिमांड के लिए हम लोग बता। हाँ, सेपरेट स्टेट के लिए ना, हमारा सिलगढ़ी में मिसाइल बहुत बड़ा होगा आने वाला दिन में, होगा, हम लोग का तय करना है ना। अभी हम लोग बैठकर एक हम रण कौशल बनाएंगे, आज तो हमारा ये शिलान्यास हो गया, और अब आने वाला दिन में हम लोग का रण कौशल हो जाएगा, गणतांत्रिक जंग से होगा, गणतांत्रिक। हाँ, ये सब पहले अभी तो घोषणा हुआ ना, ये तो अभी शिला जो हम लोग का ये अभी नौरान हो गया। लेकिन ये अलग स्टेट को लेके जैसे कि मोर्चा का एक अलग अपना है, लेकिन अभी हम लोग सब एक होकर ही आगे जाना चाहिए। अपना अपना डिमांड, गोरखालैंड का अपना डिमांड है, ग्रेटर कूचबिहार का अपना, केपीपी का अपना डिमांड है, लेकिन अभी हम लोग जो राजनीतिक हो रहा है सिर्फ एनपी चेयर के लिए, एमएलए चेयर के लिए, हम लोग ये नहीं चाहता हूँ आने वाला दिन में हमारा नॉर्थ बंगाल का विषय के लिए राजनीति होना चाहिए। देखिए, अभी हम लोग का ये फंड बन गया है, और ये फंड से हम लोग आगे जाके काम करूँगा। तो अगला चुनाव में क्या नाइदर तृणमूल नाइदर बीजेपी? देखिए, अभी हम लोग पता नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आने वाला दिन में हमारा जो जो पार्टी का हमारा संस्था का कैसा अब रण कौशल होगा, उससे हम लोग बात करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी से समर्थन मिला है इस तरह का मूवमेंट चलाने के लिए? पॉलिटिकल पार्टी के लिए हम लोग पॉलिटिकल पार्टी तो है सभी। देखिए, हम लोग को नेशनल पार्टी का साथ बात ही नहीं किया है, अभी बात करना है, अभी जाके बात करना है हमारा इशू के लिए, और हम लोग बात करेंगे। सर, आपने कहा एक चिट्ठी भी देंगे। हाँ, पूरा हम लोग का पूरा हमारा जो 8 जो संस्था है हम लोग का सही छाप करके हम लोग दे देंगे। ये किनको देगा? कब से स्टार्ट होगा? भारत सरकार, बंगाल सरकार को। ये धरना वगैरह कब से स्टार्ट होगा ये तो हम लोग को बताएंगे ना, एक रन कौशल बना के करेंगे। स्पीच दे रहे थे आप, बोल रहे थे भागना मत, तो क्या एडवाइस देंगे बाकी सारे पार्टियों को? नहीं, अभी सभी को तो बोल रहा हूँ कि हम लोग का एक संघर्ष करने जा रहा हूँ, तो इससे अलग नहीं होना चाहिए, एक तरफ से। दादा, आपने ये भी कहा स्पीच के दौरान कि आप डाइवर्टेड हुए थे इससे पहले, 2017 में डाइवर्टेड हुए थे, तो वायलेंस हुआ था इस बार क्या? देखिए, वो नहीं होगा। हमारा दोषी, हमारा साथी, हमारा घर का आदमी ऐसा किया, लेकिन ये बार ऐसा नहीं होगा, और हम लोग चाहता भी नहीं हूँ। कौन किया था दादा? अरे, ये तो बात आप तो समझते हैं ना, आप तो रिपोर्टर हैं, बार बार मेरे को क्यों पूछते हैं? थैंक यू।